हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एरियंस बाय ज़ोया। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, टुडे आई एम हियर विद अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ अमेजिंग ड्रेसेस। सो गाइस, दिस टाइप ऑफ अमेजिंग ड्रेसेस ऑफ ट्रेडिशनल क्लॉथ। So guys, basically this type of traditional dresses are very amazing and very stylish. You can see these all dresses are too much trending and too much new design, new style and new collection. So go and subscribe my channel and don't forget to share with your friends, family members and your relatives, and also click the bell icon. So thank you so much guys for watching my channel, for like my videos. So guys, basically the traditional dress are very amazing and very comfortable, and you can wear easily. You can see this fabric, these designs are very gorgeous and very stunning. You can easily wear festival function, events, gatherings. So guys, when you wear this type of dress, you just looking like amazing and wow, and enhance your personality and beauty. So hope so guys you like this type of collection and this type of video. वैसे तो जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह कोई पहनते हैं तो हमें अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी शूज़ का, अपने मेकअप का, अपने हेयर स्टाइल का, अपनी एक्सेसरीज का, अपनी वॉक का, क्योंकि जब भी आप कोई फैंसी ड्रेस वगैरह पहनते हैं ना तो आपको अपनी एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। फिर वो बेशक फैंसी ड्रेस हो या कोई भी ड्रेस, ये आप पे डिपेंड करता है। जब भी आप कोई फैंसी ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि जो आपने एक्सेसरीज पहनी हुई है, जो आपने मेकअप किया हुआ है, जो आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, जो आपने हील्स, जो आपने क्लच, ये चीज़ें जो आपने पहनी हुई है, क्या ये आप पे सूट कर रही है, क्या आपकी पर्सनैलिटी इससे इन्हेंस हो रही है। ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है, आपकी पर्सनैलिटी को प्रोमिनेंट करती है। जब भी आप कोई फैंसी ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो आप उसे अच्छी तरह कैरी करें ताकि वो आप पे वाकई सूट करे, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे और आपको बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और स्टनिंग लुक दे। सो गाइस, जब भी हम किसी फंक्शन वगैरह पे जाते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा ड्रेस चूज़ करें, कौन सा ड्रेस पहने या कैसी सिलेक्शन करें, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में कि हम क्या पहन के जाएँ। हम जब भी अपनी वार्डरोब खोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इस इवेंट पे कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है। वैसे तो मायों के हिसाब से मायों वाले कलर अच्छे लगते हैं, लाइक हल्दी, मेहंदी, येलो, इस किस्म के जो कलर होते हैं ना मायों पे, यही सूट करते हैं, ग्रीन वगैरह, ऐसे कलर जो है सूट करते हैं। और वलीमा पे लाइट से लाइट कलर सूट करते हैं, और बारात पे डार्क कलर भी आराम से प्यारे लग जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी इवेंट पे लाइट पहनना हो आप डार्क पहन लें। ये चीज़ें भी ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आपने हैवी ड्रेस पहना हुआ है तो अपना मेकअप वगैरह लाइट करें ताकि वो ड्रेस आपको सूट करे। ये मैं जितनी भी कलेक्शन लाई हूँ, ये सारी कलेक्शन वलीमाज में पहन सकते हैं, बारात में, मेहंदी पे, उपटन पे, ये सारे ड्रेस इसमें आराम से आप लोग देख सकते हैं किसी फंक्शन, किसी इवेंट, ईद वगैरह पे। तो ये सारे ड्रेस जो है मिलते जुलते हैं और आप आराम से ऐसे ड्रेस जो है वेयर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी वर्सेटैलिटी, इसके फैब्रिक्स, इसके डिज़ाइंस बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग है। सो गाइस, होप सो यू लाइक दिस टाइप ऑफ कलेक्शन एंड दिस टाइप ऑफ वीडियो। सो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड योर रिलेटिव्स, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।